अभी माइक टेस्टिंग कर रहा था। अच्छा वो जो पीछे वाले हैं वो जरा बैठ जाएं। क्या कहा? भगवान ने टांगे दी हैं खड़े होने के लिए, बैठने के लिए भी कुछ दिया होगा, टिका लीजिए। तो मेहरबान, कदरदान, थूकदान, पीकदान और सबसे आगे भाईजान, इस दुनिया में बड़े बड़े ड्रामेबाज हुए हैं, नॉट टंकी साले। तो इस प्रस्तुति के द्वारा हम आपको कुछ चुनिंदा ड्रामेबाजों से रूबरू कराने वाले हैं। सबसे जरूरी बात, इस कहानी का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। इस कहानी से जिसे भी आपत्ति हो वो डायरेक्टर का जो चाहे उखाड़ सकता है। चलिए हम आपको एक गांव ले चलते हैं। वाह, ये गांव की खुशबू। अरे कैटू 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 देख रहे हो, घर में जवान गाय भेजना है। मेरी प्यारी शीला थक गई, वही माना जवान है पर थक जाता है आदमी। चल तू ठहरा अभी यहाँ पर, मैं तेरा दूध निकाल के तेरे को चाय पिला। बहुत विस्की पी रखी है तूने। आराम कर, आराम। अरे तो क्या मैं मर्सिडीज में आया हूँ? क्या मेरी भैंस के आगे बीएमडब्ल्यू का लोगो लगा है? अरे बड़ा गरीब हूँ भाई, बड़ा गरीब हूँ, एससी में खेती करता हूँ। आप समझे नहीं, मैं यहाँ पे चैरिटी करने आई हूँ। चैरिटी? चैरिटी? अरे पीछे जाके कर ले। अरे शीला उड़ा ना इधर। मैडम चैरिटी जो है ना पीछे जाके कर लो, ऐसा है हम तो सुबह सुबह ही कर गए, फिर बाद में खेती गए थे एसटी में, अब 2 बजे के बाद तो फिर से मुड़ कर आया है। तुम समझे नहीं, चैरिटी का मतलब होता है गरीब लोगों को दान देना, यू नो, दान दान देना, चैरिटी करना। अच्छा मैडम आपके बाल से लगता है यहाँ की नहीं हो। I'm from Russia, you know Russia. Oh, Russia. 15,000? 20,000? Excuse me, इतनी गंदी आँच है तुम्हारी। हम गंदे बंदे नहीं हैं। वैसे गंदे से याद है मैडम, ये रशिया में सुबह सुबह उठ के लोग सबसे पहले क्या करते हैं? हैं जी? ब्रश। हमने तो सुना था ये ब्रश प्रॉब्लम। यू डोंट अंडरस्टैंड, मेरा मतलब है टूथब्रश। अच्छा 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 मैडम, टिश्यू पेपर तो हम भी यूज कर लेते हैं, पर यू नो इंडियन फूड वेरी मसालेदार, टिश्यू पेपर कैचिंग फायर। वैसे मैडम यहाँ पे सारे अपना हाथ जगन्नाथ, मैडम एक हाथ से खुल के काम करते हैं और दूसरे हाथ से खुल के चैरिटी। कोई यू आर सो मीन। अच्छा तुम ये बताओ, तुम अपने खेतों में क्या क्या उगाता? मैडम गाजर, टमाटर, मैडम अनाज, मैडम मूली। मूली? ये मूली क्या होता? मूली ना पता इसे। मैडम मूली वो व्हाइट गाजर, व्हाइट गाजर। व्हाइट गाजर? सो इंटरेस्टिंग। ओके तो व्हाइट गाजर कैसे उगाता? मैडम वेरी सिंपल, मैडम छोटी मूली लेता, उसको हम जमीन में डालता, उससे एक बड़ी सी मूली उगता, वो हम खा जाता, फिर मूली लेता। मैडम मूली इज अ वेरी रिसाइकल प्रोडक्ट। मैडम आपको जैसे मूवी जाना हो, बहुत लंबी लाइन लगी हो, 2 घंटे पहले मूली खा के जाओ, फिर भीड़ की मना किया। Oh, you're so bad. तुम तो कितनी बदबू माता, मूली की बदबू माता।
कुछ समय बाद हमारे इस गरीब छग्गन हलवाई की शादी पारो से हो गई। तो देखिए क्या हुआ, क्या गुल खिला पहले दिन। और हम इस एपिसोड में छग्गन का किरदार बदल गया है, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। मेरी पोशाक देख के समझ तो गए होंगे कि मैं खुश क्यों हूँ। शादी हुई है मेरी आज, शादी से मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ, लेकिन शादी के अरेंजमेंट से बहुत दुखी हूँ। लड़की वाले इतने कमीने, इतने कमीने। लड़की का बाप इतना चालू, अपने घोड़ी से उतरा, मेरे साथ मालूम है उसने क्या किया। 5,000 रुपये मेरे हाथ में रख के बोलता है पैसे आते रहेंगे, लड़की वापस ही आनी चाहिए। बताओ। और खाना इतना यक, क्या बताऊँ। I've never seen that in my life on my planet Earth. बड़ा गंदा खाना। एक मिनट इसको एक उतार दो फिर बताता हूँ। रख ले, वैसे पता नहीं तेरी शादी होगी नहीं होगी, मान ले इसको। खैर, खाना, oh my God, इतना गंदा। पहले मैंने देखा कि दो तरह का रायता रखा हुआ है, मैं खुश हो गया। उसके बाद पता चला रायता तो एक ही है, वो जो दूसरा था वो 2 हफ्ते पुरानी आइसक्रीम में साले बूंदी डाल के दे रहे थे साले। अरेंजमेंट बड़ी है, अरेंजमेंट उसमें पनीर की सब्जी याद है, पनीर के टुकड़े इतने बड़े और इतने सख्त, 4 टुकड़ों की गद्दी बना के मंडपे में उसी में बैठा। मैं तेरा पति, शादी हुई है तेरी मेरे से। मेरे पति? हाँ। वो बब्बन था, मेरी बुआ का लड़का। अरे तुझे पता ना शादी में कितने काम होते हैं बाबा। काम देखने गया था उसने, क्या क्या कौन सा काम अपनी शादी में, कौन काम करता है। अरे यार, अरे हमारे में ऐसा चलता है। पीछे मेरे चाचा की शादी हुई थी ना, तो उसको चाची की शादी के बाद सिंगापुर हनीमून पे मेरे पापा ही लेके गए थे। चाचा के पास पासपोर्ट नहीं था यार, सिंगापुर तो वही जाएगा ना जिसके पास पासपोर्ट होगा। इंडिया में हनीमून कर लेते, सिंगापुर जाने की क्या जरूरत थी। मेरी चाची बड़ी जिद्दी, कहती हनीमून बनाऊंगी तो सिंगापुर में, नहीं तो मौन व्रत रख लूंगी। पागल खाने में मेरी शादी होगी, क्या खानदान। पागल किसको बोली तू, खानदान को। पता है हमारे खानदान के कितने चर्चे हैं दूर दूर तक। कितने चर्चे हैं? पीछे खबर सुनी तुमने 2 हफ्ते पहले? कौन सी वाली?
एक 70 साल की बुढ़िया 30 साल के लौंडे के साथ भाग गई। सुनी ना, सुनी हाँ, वो मेरी दादी थी, माय लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ग्रैंडमदर। तुम्हारी दादी वो बेशर्म कुट्टी जो 30 साल के लौंडे के साथ भाग गई? बेशर्म, उस पे तो प्राउड फील करना चाहिए। वैसे लड़का भी अच्छा भागा, अच्छा परफॉर्म किया उसने, पर एंड में विनर मेरी दादी रही। शादी कर दी, कहां शादी कर दी? वैसे ये घूंघट तूने कैसे खोला? इससे पूछ के खोला है? चल खैर, चल वैसे अच्छा ही किया, मेरे 21 रुपए बच गए, मुझे नहीं देनी पड़ेगी। इस बूथी को कोई 21 देता है? इसको तो 2151 मिलते हैं। अरे 2151 मेरे पास होते हैं तो तुझसे शादी करता हैं। ये तो शुक्र कर 21 रुपए दे रहा था, पिछली वाली को तो मैंने 1 रुपया दिया था। तुम्हारी दूसरी शादी है? तौबा तौबा तौबा, राम राम, हमारे धर्म में दूसरी शादी अलाउड नहीं है। मेरी तो ये तीसरी शादी है। तीसरी शादी? कहां आ गई मैं? चल तो खैर ये चल छोड़ तू, ये बता मेरा दूध का गिलास क्यों लाई तू? नहीं कुछ लेके नहीं आई मैं। हाय राम, क्या कर दिया? मैंने सोचा था तो दूध का गिलास लाएगी, हम मैगी बना के खाएंगे। चल खैर छोड़, एक बात बता। सुन मेरी बात सुन। मैंने सुना है कि जिनकी शादी हो जाती है वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ तो बोल। कर सकते हैं? हाँ तो एक काम कर, मेरी पीठ खुजा। खुजली? अरे सबको पता है कुंवारे आदमी से ज्यादा खुजली और किसको होती है, क्या बात करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ, वैसे भी मेरी शादी जबरदस्ती की थी, मैं चाहूंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगी। मेरी भी शादी घर वालों के कहने से जबरदस्ती हुई है, मैंने कोई एकता कपूर के कहने से नहीं किया। मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुन सुन, थोड़ा डिले नहीं कर सकती? मुझे उठा दियो, मैं पानी भर लूंगा, तू चली जाएगी। मैं जा रही हूं, सुन जा रही हूं, मुझे नहीं, तुम सुन तो सही। दो बच्चों की अम्मा हो गए लेकिन शौक गया नहीं। कितनी बार कहा है कि घर के चूल्हे चौके संभाल लिया करो, बच्चों की देखभाल कर लिया करो, जब देखो तब फैशन शो में आ जाती है, पता नहीं क्या चाहिए इसे। चलो चलो घर चलो। एसटी ने तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इस बार वॉक कराई नहीं, ये लोग भी कांटे दे रहे हैं। एक ही टैलेंट है, दिखा के तो जाने दो। जब देवदास को पता चला कि पारो की शादी छगन हलवाई से हो गई है तो उसके घर पहुंच गया। पर हाँ, इस एपिसोड में पारो का किरदार बदल दिया गया है। बजट इशू, यू नो, एक ही एपिसोड में ये लोग इतने फेमस हो जाते हैं कि बस हमारे बजट से बाहर हो जाते हैं। जिसे जो खाना वो, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा। सर जी, अब तो उखड़ गया होगा। अरे शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अंजाम, देखो कैसे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे। वालो ए परो, अपने बाप का खून पिया है तो बाहर निकल। ए छक्कन हलवाई साला, पेड़ जैसा दिखने वाला छक्कन हलवाई मेरी जलेबी को फंसा के ले गया। जलेबी देव हरामी, तू इतनी रात को यहाँ? वो वक्त और था देव, जब तुम पाइप पे चढ़ के आया करते थे। अब मेरी शादी हो गई है। क्यों शादी के बाद तुमने पाइप गड़वा दिए? मेरा मतलब है, अब तुमसे नहीं मिल सकती। और वैसे भी तूने किया है क्या मेरे लिए भूतनी के? पिछला
कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लंगड़ा बन के गया। इसके भाई को चुपके दिलाए, सीधा खड़ा रहे अभी लंगड़ा हो जाएगा। इसके बाप को रेडियो सुनने का शौक था, रेडियो दिलाने के लिए सगे पाव की मैंने नसबंदी कराई। वैसे जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बताए थे नसबंदी कराने में सरकार कोई ना कोई गिफ्ट देती है। इसका पति चला गया था, क्या चाहे 10 बार कर दो लेकिन गिफ्ट में LCD चाहिए। वो रेडियो तो खराब मौसम में काम भी नहीं करता, वो खराब मौसम में काम नहीं करता। और जो मेरा ताऊ का घर का मौसम बिगड़ा पड़ा है कभी नहीं उसका क्या और आज तक तुझे क्या दिखाओ उस भीम राज जैसे हलवाई में, उसकी बहुत बड़ी दुकान है मिठाइयों की पूरे शहर में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसे पता नहीं है कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं वो। यहाँ मत बैठ, यहाँ टॉमी हक के गया, उठ उठ यहाँ से, पहले गंदा हो जाएगा। और वैसे भी पुराने जमाने से जलेबी टेढ़ी बनती आई है। आज भी तुझे मेरी कितनी फिक्र है, पुराने जमाने में औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती। हाँ करूंगी, 12 नहीं 24 करूंगी, तू क्या कर लेगा? और वैसे भी तुम्हें पाइप चढ़ने के अलावा आज तक ये क्या है? भूल गया डायलॉग तेरे हलवाई से बटुआ से भूलता नहीं तेरा। क्या बुलाएगा? 12 बच्चे पैदा करेगा देख, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो मेरे छग्गू हलवाई उठ जाए। उठ जाएगा साला, उठा होता है तो जगह होता है तो उठा नहीं जाता, सोया सोया क्या उठ जाएगा। ब्लैक से पढ़ के आए तू? ब्लैक से उन्होंने भी MBA किया हुआ है। देव तुम्हारी इन्हीं टुच्ची हरकतों की वजह से और पीने की वजह से हमारी आज शादी नहीं हो पाई। काश काश कि तुम पीना छोड़ देते। सब यही कहते हैं पीना छोड़ देते, बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो, मैं यहाँ क्यों? ऑटो लो खुद जाओ। पीना छोड़ देते। हाँ छोड़ दो, वैसे भी तुझे कहाँ हजम होती है कंजरा? कौन सारा हजम करने के लिए पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं तेरे छक्कू की माँ बहन एक कर सके। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना। हमको नहीं कुछ समझ, जरा समझाना। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय वो ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय
Hello, hello, hello. Guys, guys, one point. Give your chairs to Tina and then we'll dance till it's over, okay? And then we're going to announce the winner. Meanwhile, please give your chairs. Thank you.